गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी व्लॉग्स। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के पास एक मीशो हॉल वीडियो और ये बहुत ही क्यूट सा वीडियो होने वाला। आई नो आप लोग जो भी देख रहे हो ये वीडियो आप लोग सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इफ यू आर अ कोरियन लवर आई हैव गॉट यू गाइज अ लॉट ऑफ कोरियन ज्वेलरीज। जी हाँ काफी सारे इयररिंग्स है जो मुझे एंड मीशो हैज अ रियली गुड रेंज ऑफ ज्वेलरीज। तो मुझे जो जो अच्छा लग रहा था लाइक एज पर माई चॉइस आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू स्टफ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो यू विल एंजॉय द हॉल वीडियो। लेट्स बिगिन। बहुत सारे पार्सल्स जो मैं आप लोगों के साथ ओपन करने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, पता नहीं इसमें क्या है। लेट्स सी। मुझे याद भी नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने ऑर्डर किया है। दिस आर सो ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी। शिट नज़र ना लगे, नज़र ना लगे, बिल्कुल ना लगेगी। लुक एट दीज क्यूटीज, बहुत ही प्यारे हैं, इतने एलिगेंट से लग रहे हैं। इसमें एक डिटेलिंग है जो फर्स्ट में देखिए आप ऐसे बना हुआ है, इसके पीछे एक छोटू सा ये भी है जिसमें थोड़े से स्टोन वगैरह का वर्क है, बहुत ही सुंदर ऐसे रिंग वाले टाइप में, थोड़े से हैंगिंग काइंड ऑफ में है। इसके पीछे के लिए दे हैव गिवन टू थिंग्स, एक तो ये जिसमें थोड़ा सा गोल्डन जैसा है, हाँ टाइट है, अच्छा लगेगा, नाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थू 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 फेवरेट। तो ये फर्स्ट वाला तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहा, पैकेजिंग ऐसे नॉर्मल इसमें आया था एंड देन इस बॉक्स में आया था। सो या गुड, डैमेज तो हुआ नहीं बट या मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट लेट्स ओपन दिस। सिंदूर, ओके ओके। मैंने ना बहुत दिन पहले ये रोज़ वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने सोचा था कि हाँ मुझे ज़रूरत भी थी, तो आई हैव गॉट दिस सो प्रिटी इज़न्ट इट। आई नो गलत जगह अनबॉक्सिंग हो गया बट इफ़ यू आर मैरिड एंड लुकिंग समथिंग वेरी क्यूट देन दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग। ये ऐसे करके आप ओपन करके आप लगा सकते हो, सो क्यूट, लव यू गाइज। जल्दी जल्दी लाइक करो वीडियो को, अब ओपन करते यार कहाँ है, इसे ओपन करते हैं। इतने सारे तो ऑर्डर किए थे, पता नहीं कहाँ हैं सारे बॉक्सेस। यस, ओ इट्स अ कॉम्बो ऑफ टू इयररिंग्स, पैकेजिंग काफ़ी सुंदर। दिस बटरफ्लाई वाला ओपन करके दिखाती हूँ, दूसरा ओपन करते हैं पहले। सो प्रिटी, वाओ ये कितना सुंदर है। ऐसे यहाँ पे एक हाफ ऑफ द विंग्स एंड दिस इज हाफ ऑफ विंग्स, इसमें डिटेलिंग कितनी सुंदर की हुई है। दे हैव वन पर्ल एंड यहाँ पे ऐसे स्टोन वर्क किया हुआ है, सो नाइस, पहनने में बहुत अच्छा लगने वाला है। अब हम जल्दी से सेकंड वाला ओपन करते हैं, उसमें बट ये बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सारे मैंने गोल्डन गोल्डन में ही ऑर्डर किया है, आई रियली डोंट रिमेम्बर बट या इट्स वेरी प्रिटी नाइस। जल्दी से आई लेट्स ओपन दिस, पता नहीं क्या इसमें। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, मैंने ये तो रोज गोल्ड काइंड ऑफ है या गोल्डन है, सो मैंने आई गेस सारे ऐसे बटरफ्लाई थीम के हो रहे हैं, आई डोंट नो हाउ बट या मैंने ऐसे बटरफ्लाई का जो विंग्स होता है वो ऑर्डर किए थे, बहुत ही गुड पीसेस हैं। मैं खुद ही ऐसे गेटिंग लावा ओवर हो रही हूँ बट या आउच, दिस इज इट इज, ये एक साइड की है एंड दिस वन साइड, ऐसे हाफ ऐसे होगा, बहुत ही प्रिटी है एंड लाइक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप आराम से ले सकते हो। मैंने मतलब टोटली शायद आई हैव जस्ट स्पेंड 1000 rupees एंड आई हैव गॉट सो मेनी इयर रिंग्स एंड इतने क्यूट है, अच्छी शाइन दे रही है, नाइस, आई लाइक द कॉल बिल्ट, फिनिशिंग अच्छी है, यस सी। ये मैंने अपने पिंक वाले वीडियो में दिखाया था आपने से बट या आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। इस वाले में भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा पिंक हॉल वाला, मैंने उसमें एक ये वाला इयरिंग भी ऑर्डर किया था, इट्स सेम। मतलब जब मैंने ये ऑर्डर किया ना मुझे याद नहीं था कि आई हैव ऑर्डर्ड दिस, सो यू कैन क्लियरली से आई एम ऑब्सेस्ड विद बटरफ्लाई, सो
So yeah, this is yet another butterfly earring, which is same. So now let's move on to the next product. ये मैंने अपनी एक फ्रेंड को पहना हुआ देखा था एंड आई जस्ट टोल्ड कि वाओ इतना सुंदर चीज़ लाइक मीशो से लिंक भेजी और लाइक हाँ और मैंने तुरंत ऑर्डर किया था. इट्स सो प्रिटी, नज़र ना लगे तो. ओके सो इट्स लाइक हुक काइंड ऑफ हैंगिंग है बट द बेस्ट पार्ट इज इट्स अ मून एंड अ स्टार. बहुत अच्छा लगा ऐसे और ये सिल्वर में था, मतलब इसमें गोल्डन कलर भी है बट ये सिल्वर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. सो आई हैव गॉट दिस इन सिल्वर. This is how it is looking. इसका फिनिशिंग भी काफ़ी सुंदर है और बहुत लाइट इन वेट है एंड बहुत मतलब पहने में बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है. इट्स लाइक मस्ट मस्ट बाय. सो या बहुत ही क्यूट ईयरिंग था ये भी. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. नेक्स्ट वी हैव अनदर पैकेजिंग, लेट्स ओपन टुगेदर. ओके सो दिस इज अ कॉम्बो ऑफ 3 गोल्डन ईयरिंग्स जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं. फर्स्ट इज दिस ड्रॉपलेट काइंड ऑफ जो बहुत ज़्यादा वायरल है. दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड जो तीनों ही गोल्डन कलर्स में है. ये वाली ईयरिंग भी काफ़ी चली हुई थी. ये आप वेस्टर्न एंड एथनिक दोनों के संग पेयर कर सकते हो. दिस इज अनदर वायरल कोरियन ईयरिंग जो बहुत ही प्यारा शाइन दे रहा एंड दिस इज द लास्ट वन वेरी क्यूट. मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा. ओके सो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है बहुत सारे ऐसे क्यूट क्यूट वाले जो क्लिप्स होते हैं कोरियन क्लिप्स, वो ऑर्डर किया एंड इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे लाइक सम 130-135 के, सम 50 पीसेस. दिस द पैकेजिंग. ओ इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि दिस इज़ द फर्स्ट वन. इसमें ऐसे ये मिकी माउस मतलब ऐसे ईयर्स वाले जो मिकी माउस के जो ऐसे होते हैं फेस, इसमें जो ईयर्स बने हुए हैं उसका फेस बना हुआ है ऐसे वाले शेप में. एंड इसका ये पैकेजिंग भी कितना ज़्यादा क्यूट है. दिस इज़ द फर्स्ट पैटर्न. ये फ्लावर पैटर्न है, सारे पेस्टल कलर्स में है, सारे कलर की थीम सेम है. तो दिस इज़ सारे ऐसे फ्लावर्स वाले. वी हैव दिस किंग किंग बना हुआ, ये तो ऐसा मुरझा गया बट या ऐसे देखिए सिकिंग बना हुआ शेप में, सो क्यूट. नेक्स्ट वी हैव और भी है नॉर्मल. ओ नहीं नॉर्मल नहीं, जैसे हार्ट शेप, हार्ट शेप का ओके सी दिस टाइनी हार्ट, सो क्यूट. ऐसे ऐसे आप हेयर को अपने स्टाइल कर सकते हो, सो क्यूट इट इज दिस. एंड लास्ट अनदर वी हैव, दिस इज अनदर फ्लावर शेप काइंड ऑफ. दो फ्लावर शेप है, एक है ऐसे पेटल्स बने हुए हैं और एक है ऐसे बहुत से क्यूट ऐसे देखे ऐसे 5 शीट्स हमें मिले हैं. टोटल वी हैव लाइक ईच हैज 10, वी हैव अ टोटल ऑफ 50 क्लिप्स एंड जस्ट ₹130, जस्ट इमेजिन. मैंने आप लोगों को जितने भी ईयरिंग्स दिखाए आई होप्स आप लोगों को सारी पसंद आए हो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको सबसे अच्छा ईयरिंग या सबसे अच्छा प्रोडक्ट इस वाले वीडियो में से कौन सा लगा. तो एंड काफ़ी छोटा सा वीडियो था बट मुझे आप लोगों से शेयर करना था बिकॉज एवरी टाइम आई बाय एनीथिंग फ्रॉम मीशो आई शेयर इट विद यू गाइज. आप लोगों को भी मेरा मीशो हॉल वीडियोज़ काफ़ी अच्छा लगता है. तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.